चैनल कुमाऊनी दीवाज। तो आज हम लोग बना रहे हैं तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि गणपति जी आने वाले हैं, तो हम लोग गणपति जी के लिए अभी से ही ना मोदक का ना ट्रायल ले रहे हैं कि हम लोग मोदक बना सकते हैं या नहीं। तो आज हम लोग बना रहे हैं मोदक और ट्रायल लेते हैं कैसे बनता है, क्योंकि हमने सांचा मंगाया था। तो अब उसमें देखते हैं कि कैसे बनेगा। काजल दीदी ने इसने मंगाया था तो अभी मंगाते हैं और देखते हैं कि हम कैसे कैसे बनाएंगे। हमने इंग्रेडिएंट्स लिख लिए, कुछ ही 4-5 है, अभी वो आएगी इंग्रेडिएंट्स, फिर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है और आपको भी सिखाएंगे कि आज मोदक कैसे बनता है। तो चलो कंडेंस मिल्क नहीं मिला यहाँ पर, हमने घर का जुगाड़ कर लिया। हाँ, हमने घर पे देखा था कैसे पहले बता कैसे बनेगा कंडेंस दूध और चीनी से, पर हमने उससे भी सस्ता वाला छोटा वाला जो काम होता है ना वो कर लिया। मावे को लाके उसको पकाएंगे, मावे को लाके उसमें चीनी डाल के थोड़ा सा दूध डाल के उसको थोड़ा बैटर बनाएंगे उसका पतला। क्या बात है सर ये बात है। फिर बस कंडेंस मिल्क तैयार हो जाएगा, लेकिन हम और चलो फिर चलते हैं, जब बनेंगे फिर आपको दिखाते हैं और सारी क्या बोलते हैं उसको रेसिपी दिखाएंगे आपको। बाय, स्टे ट्यून्ड। कुछ बोलना है तो मैं चिल्लाती रहती हूँ, तो रोकी रही हो, सही से बोलो। चिल्लाती क्यों हो तुम इतना? अरे भैया व्लॉग शूट हो रहा है, कहाँ घुस गए बीच में? ये बेचारे बहुत परेशान है, सुबह से मैंने 10-12 ने मार्केट भेज दिया, कुछ नहीं आया, 15 रुपए का गुड़ लाया बस। तो गाइस अभी हम ग्रेट किया हुआ कोकोनट लेके आ गए हैं, वो भी 1 घंटे में मिला है पूरा, सिर्फ इतना सा ही मिला है। अभी बाकी का और सामान लेके आते हैं हम, उसके बाद मिलते हैं। और दीपा एक बार हाय बोलो। चैनल तो इन्हीं का ही है, पर लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे मोदक बना रही हूँ। अरे दो ही तो आए हैं, करेला नहीं हमारा मेन इंग्रेडिएंट, क्या है वो तो सब्जी के लिए। ये देखो ये काजू, हमने थोड़े बहुत काजू और बादाम मंगाए, अभी हम ट्रायल ले रहे हैं ना। हाँ। काजू बादाम, और ना मैं तैयार होकर अपनी शक्ल दिखाऊंगी अभी। और ये हमने मावा मंगाया है जिससे हम कंडेंस पन्नी में आता है कंडेंस मिल्क बनाएंगे। कंडेंस वो तो जुगाड़ कराया हमने ना, ठीक है। और नारियल हो गया। हाँ, पर ये मुझे कम लग रहा है। और हमारे पास जैगरी भी है जो कि गुड़ होता है, वो हमने अभी रखा हुआ है। इसका तो मैं एक चीज बताऊंगी तुम्हें, अपना एक वो ये फंस गया सी है। हेलो गाइस, तो मैं शूट करना भूल गई थी थोड़ा सा, और हमारे पास ना कंडेंस मिल्क नहीं था, तो हमने ये खुद से बनाया है घर में कंडेंस मिल्क, जिसमें मैंने यूज़ किया है ये थोड़ा सा मावा और शुगर। सबसे पहले मैंने ये पैन को गैस पे चढ़ाया और मावा डाला उसमें, थोड़ा सा दूध भी यूज़ किया हमने, थोड़ा सा ये ज़्यादा थिक ना हो जाए स्टार्टिंग में, इसीलिए तो हमने ये डाला इसमें मावा दूध और शक्कर, और तब से हम इसको लो फ्लेम पे चलाए जा रहे हैं और ये कुछ इस टाइप से बन गया है। मेरे हिसाब से तो परफेक्ट बना है, और मैं दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तब तक के लिए बाय। तो गाइस वो जो कंडेंस मिल्क था जो हमने बनाया था अभी, वो मैंने उसको खाली कर लिया उसमें से, और मैंने एक बाउल में रख लिया है, तो मैं साइड कर देती हूँ। और अब हम यूज़ कर रहे हैं सौंफ, तो हमें सौंफ को थोड़ा सा ब्राउन करना है, हरी हो नहीं पा रहा है, थोड़ा सा लो फ्लेम में करना है जो भी करना है चीज़ों। तो मेरी बहन ने मुझे ज़बरदस्ती शूट करवा ली है, मैं कर नहीं रही हूँ। मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैंने मिक्सी निकाल ली है, देखो मिक्सी और मिक्सी का जार। अभी मुझे ना पान के पत्ते भी यूज करने हैं, तो मैं पान के पत्ते ढूंढ के मैंने कहाँ रखे, और पता है इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज हुआ है, देखो मैंने ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रखे। सो बनी रही है तब तक के लिए। तो भाई जैसे कि आप देख रहे हो हम पान के पत्तों का यूज कर रहे हैं, तो मैं 3 यूज करने वाली थी, बट लेकिन ये ना बहुत बड़ा है तो हम 2 ही यूज करेंगे, क्योंकि ये थोड़े से स्ट्रांग होते हैं तो ये थोड़ा सा फ्लेवर को खराब ना कर दें, तो इसलिए हम सिर्फ 2 ही यूज़ करेंगे। इनको अच्छे से वॉश करना है, वॉश करने के बाद हम इनको ग्राइंड करेंगे कंडेंस मिल्क के साथ, ठीक है। तो हम इसको ग्राइंडर में डालेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, कंडेंस मिल्क का यूज़ करेंगे हम इसी के साथ। अच्छा बना यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा। थोड़ी उसकी ज्यादा ठीक हो गई थी, तो हमने दूध मिलाया उसमें, आप भी ऐसे कर लेना अगर आपका हो जाए तो।
थोड़ी और अभी ठीक लग रही है बट ये सही लग रही है, ठीक लग रही है मुझे भी, ठीक है। चलो तो ये अभी कुछ इस टाइप से बन चुका है, अपनी शक्ल भी दिखा रही है, बहुत गंदी हो रही है। तो ये तुमने इसको ग्राइंड कर लिया था पान के पत्तों को, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो मेरे पान के पत्ता ना एक ज्यादा बड़ा था, इसलिए मैंने दो का ही यूज किया है, आप चाहे तो तीन भी यूज कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये बहुत हार्ड होता है ना, तेज होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैं उनको बता चुकी हूँ बालों को। चलो रिपीट मत करो, ठीक है जी। हम मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा। अभी ये गुलकंद आया है और ये हमारा मेड फ्रॉम फ्रेश रोजेज एंड शुगर से बना हुआ है। हमने ये गुलकंद मंगाया है, भैया बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाए हैं, तो ये गुलकंद का हम यूज करेंगे। और ड्राई फ्रूट्स मैंने ना ऑलरेडी कट करके रख लिए थे, और वो जो मैं आपको सॉस दिखा रही थी ना वो ये है, मैंने इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था। और तो चलो मिलते हैं, इसको हम पहले एक बाउल में ले लेते हैं और हम इन सबको फिर मिक्स करेंगे, ठीक है। तो गाइस मैंने थोड़ा सा गुलकंद इसमें निकाल लिया है, 1 से 2 टीस्पून आप यूज़ कर सकते हो। और ये सभी जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे आपको इसमें डालने हैं बारी बारी से, तो हम डालते हैं। सबसे पहले हम ये काजू डालेंगे और थोड़े से बादाम और हमारे सौंफ, और ये डालना तो मैं भूल ही गई बताना भी आपको, और इसका भी यूज़ करेंगे थोड़ा, और इसको अच्छे से फिर मिक्स करेंगे। तो गाइस अभी थोड़ा गुलकंद और डाल रहे हैं क्योंकि थोड़ा कम हो गया, थोड़ा ड्राई लग रहा है, और गाइस इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। ये गुलकंद जिसको नहीं पता, वो होता है जो पान में डलता है ना, ये वो होता है, पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा आपको इजीली, वहाँ पे भंडार है, पान भंडार और पान वाले भैया की शॉप पे। हम एक पैन लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा घी, घी। देखो गाइस हमने दूध डाल दिया क्योंकि ना जितना देर रखोगे वो ठीक होता चला जाएगा, इसलिए रखना मत ज्यादा देर। बट ये ना ऑसम होने वाला है, देखिए टेस्टी बनेगा क्योंकि इसमें पान का फ्लेवर दिया है हमने, नारियल का पाउडर जो कि इसने गिरा भी दिया। मम्मी ना इसकी तारीफ भी कर रही थी, गाइस कह रही थी काजल ना मन से बनाती है, जो भी बनाती है तो उसकी जो डिश बनती है ना वो अच्छी रिजल्ट आता है, इसका मतलब कि हम लोग जो बनाते हैं उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, मेरी मन से नहीं बनाती। फ्रेश डेसिकेटेड कोकोनट है गाइस, तो अब हम यार मुझे ऐसा लग रहा है जल गया, ये जल गया थोड़ा सा, ज्यादा ना फूक गया, देखो घी कितना धुआं निकल रहा है, अगर हम इसको एकदम से डाल देंगे तो ये जल जाएगा, तो आप ऐसी गलती मत करना जो हम करने जा रहे हैं। देख गैस बंद हो गई, ये देखो गैस कम, किस किस यहाँ होता है जब कम करो तो बंद हो जाती है। 1, 2, 3 एंड गो गणपति पप्पा मोरिया। बेसिकली हम लोग ने ये अभी गणपति पे ही बनाने वाले हैं, तो मैंने अभी ट्रायल किया जस्ट ऐसे ताकि हम लोग ये उस टाइम अभी जो गलती कर रहे हैं अभी कर लें, पापा के लिए कोई गलती नहीं। तो गाइस हमने जो भी पेस्ट बनाया था ना पान का और कंडेंस मिल्क का, वो हम इसको डालेंगे इसमें। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो गाइस ये रेडी हो चुका है हमारा, तो अब हम इसको एक प्लेट में ले लेते हैं, इसमें हम निकाल देंगे, इसमें हम इसको ले लेंगे और गैस को ऑफ, गैस ऑफ कर दो, इसको थोड़ा सा हम लोग ठंडा करेंगे। कसम से मुझे तो बहुत ही बेस्ट लग रहा है, तो बहुत खुशी हो रही है। क्या मेरी मम्मी ने बोला कि तू जो भी बनाती है एक ही बार बनाती है, और शाही पनीर भी बनाया तूने एक ही बार बनाया, जबकि 3-4 बार बना के खा चुकी है, मतलब मुझसे बनवा के खा चुकी है। तो गाइस अभी हम लोग अंदर तो आ गए हैं मोल्ड करने के लिए, और ये देखो हमने ना मोल्ड में घी लगा दिया,
मोल्ड में घी लगा दिया और उसको फिल कर रहे ना मोल्ड को, ऐसे ही करना है? ऐसे ही करना है। क्या हुआ? तो तीन दे रखे ना हमें, तो तीनों में आपको फिल करना है। मंगाओगे तो आप मोल्ड, मोल्ड मैंने बताया तो फ्लिपकार्ट पे 199 के हैं। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे, हम ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे तो टाइट बंद कर देंगे। यार ये टाइट नहीं होता बंद, देखो बीच को ना हम बिल्कुल ऐसा, हाँ ऐसा करेंगे क्योंकि हम फिलिंग भी भरेंगे, क्योंकि हमें ये फिलिंग डालनी होगी ना। फिलिंग्स बनाई थी, अब हम इसको भरेंगे। और फिर बाकी का जो पार्ट है ना नीचे का, उसको बंद कर देंगे। अब गाइस देखना रिजल्ट क्या है इसका, खुलेगा तो। गाइस इसका तो थोड़ा सा ब्रेक हो गया क्या? गाइस बहुत अच्छा, गणपति बाप्पा अच्छा निकल गया। गाइस रिजल्ट अच्छा आया वाला, अब टेस्ट भी देखना है। तो गाइस हमारे मोदक देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, हमने अभी इतने मोदक और इतना हमारा बच रहा है, लेकिन देखो गाइस कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सब वीडियो बना रहे हैं मोदक पापा की तैयारी। चलो तो पागल है क्या? इसके दाने देख लो, खड़ा हो पाओ, खड़ा हो जा, बता कैसे लग रहा है मोदक, कैसे लग रहे हैं? कैसा लग रहा है पापा तुम्हें? मुझे लेट के बहुत अच्छा लग रहा है।